नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में बताएंगे कि किन मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर के आशीर्वाद से हो सकती है। अगर दोस्तों भगवान की कृपा पूरे घर पर रहे तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसलिए दोस्तों हर घर में पूजा घर की स्थापना की जाती है। इसलिए दोस्तों भगवान को खुश रखने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन दोस्तों पूजा घर में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों इन बातों में अगर हमें जरा सी भी चूक होती है तो हमें इससे भगवान का क्रोध भुगतना पड़ता है। दोस्तों घर के मंदिर में कुछ मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इन्हें घर में रखने से घर की सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों सूर्य देव के पुत्र शनि देव की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए जो भी इनकी पूजा करते हैं इनकी पूजा घर के बाहर के मंदिर में ही करें। दोस्तों घर में भगवान की पीठ दिखती हुई मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इसे अशुभ माना जाता है और घर में रहने वाले व्यक्तियों का दुर्भाग्य भी बढ़ता है। दोस्तों घर में युद्ध करते हुए या राक्षस को मारते हुए मूर्तियां या तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इन्हें रुद्र स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए दोस्तों इनका दर्शन करने से घर में संकट आता है। दोस्तों घर में भगवान के खंडित या फटे हुए चित्र नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों ये अशुभ माना जाता है। दोस्तों घर में पूजा स्थल पर भगवान की दो मूर्तियां एक साथ नहीं रखना चाहिए, एक ही भगवान की मूर्तियां आसपास भी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा करने से घर में कलेश उत्पन्न होता है। भगवान शिव का अवतार माने गए भैरव की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। भगवान भैरव शिव का अवतार ही माने जाते हैं, लेकिन भैरव देव तंत्र विद्या के योद्धा हैं। पूजा उपासना घर में ना होकर बाहर ही होनी चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।